हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पायाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और यहाँ पर अब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। आज उसी श्रृंखला में हम अपना पहला क्वेश्चन पेपर लेंगे, जो कि लास्ट ईयर के 2024 का क्वेश्चन पेपर आया है आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का। तो साइंस में आपका तीन भागों में साइंस जैसे आपकी विभाजित होती है, पेपर आपका एक ही आता है लेकिन उसके चैप्टर्स अलग अलग ब्रांचेस से होते हैं। तो केमिस्ट्री के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है? तो उससे पहले आपका क्वेश्चन पेपर हम लोग एक बार देख लेंगे कि क्या क्या उसमें पूछा गया था, ठीक है ना? तो क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से आपका फ्रंट पेज जो उसमें होगा वो दिखाई देगा, जहाँ पर ये ईयर लिखा गया है। साइंस थ्योरी का ये पेपर है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दो तरह से आपके जो एग्जाम होता है उसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है? 80 मार्क्स, जिसमें यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स हैं यानी अधिकतम नंबर जो होंगे या पूर्णांक जिन्हें आप कहते हैं, वो 80 मार्क्स में से आपको मिलेंगे। समय आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा। मुद्रित पृष्ठों की संख्या 8 है, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस 8, यानी कि आपको देखना भी होता है कि कितने पेजेस हैं उसमें, जितना आगे लिखा गया है क्या टोटल पेजेस उतने हैं या नहीं है। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, डायरेक्शंस दी जाती है, उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या कहा गया है? पहला है, इस प्रश्न में कुल 30 प्रश्न हैं और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ठीक है ना? तो ये जो आपका पोर्शन होता है ना, इसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना होता है एक बार, क्लियर? क्योंकि कई चीजें जो होती हैं वो यहाँ पर आपको डायरेक्शंस में बताई जाती है कि कैसे कैसे आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है ना? तो पहली चीज बताई गई है कि 30 क्वेश्चन होने चाहिए। तो आप देखेंगे 30 प्रश्न हैं या नहीं है, कभी कभी मिसप्रिंट भी हो सकता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं और सभी प्रश्न आपको क्या करने हैं, अटेम्प्ट करना है, यानी कि ठीक है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। प्रश्नों हेतु निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। मार्क्स अलॉटेड टू द क्वेश्चंस आर मेंशन अगेंस्ट देम, यानी कि क्वेश्चन लिखा गया होगा और उसके ठीक सामने उसके लिए जितने अंक निर्धारित किए गए हैं वो लिखे गए होंगे। प्रत्येक प्रश्न को ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा समुचित उत्तर दीजिए। रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर टू द पॉइंट, यानी कि जो पूछा गया है उसी का आंसर आपको लिखना है। ऐसे नहीं कि 1 मार्क्स का कोई क्वेश्चन है उसको 1 वर्ड में आपको लिखना है, बस वो 1 वर्ड में उसका आंसर हो जाएगा, लेकिन आपने पूरा एक पैराग्राफ बना के लिख लिया है तो वो उचित नहीं है, ठीक है ना? प्रश्न संख्या 1 बहुविकल्पीय प्रश्न है। इस प्रश्न के प्रत्येक खंड के उत्तर में 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक निश्चित उत्तरीय प्रश्न है। ओके, क्या कहा गया है यहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 1 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 4 ऑप्शंस आर गिवन इन आंसर ऑफ ईच पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट करेक्ट ऑप्शन इन योर आंसर बुक। क्वेश्चन नंबर 2 to 9 आर डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, यानी कि पहला प्रश्न जो है आपका वो कैसा है, एमसीक्यू में है। एक प्रश्न दिया जाता है या एक स्टेटमेंट होगी, उसके लिए आपको 4 ऑप्शंस मिलते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से 1 ऑप्शन आपका करेक्ट होता है, वो आपको बताना होता है। और उसके आगे बताया गया 2 to 9 आर डेफिनेट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी 2 से 9 तक के जो प्रश्न हैं उनके लिए एक निश्चित उत्तर आएगा, उसको आपको लिखना होगा। ओके, देन प्रश्न संख्या 1 का प्रत्येक खंड 1 अंक का है। प्रश्न संख्या 2 से 9 तक 1 अंक के प्रश्न है, यानी आप लगा लो एक प्रश्न संख्या जो 1 होगा उसमें अलग अलग पार्ट होंगे तो सारे 1-1 नंबर के। उसके बाद 2 से 9 तक के जितने भी प्रश्न हैं वो भी सारे 1-1 नंबर के हैं। प्रश्न संख्या 10 से 15 तक 2 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 16 से 23 तक 3 अंक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 24 से 30 तक 4 अंक के प्रश्न हैं। अभी बोलेंगे मैम ये सब बताने की आवश्यकता क्या है, ये सब बताने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जितने मार्क्स आपको बताए गए हैं उसी के आधार पर, बेसिस पर आपको आंसर लिखना होता है, ठीक है ना? 2 नंबर का है तो कितना लिखोगे, 2-4 लाइन लिखोगे। 3 नंबर का है तो उससे थोड़ा ज्यादा लिखोगे। 4 नंबर का है तो पूरा डिस्क्राइब करेंगे उसको, ठीक है ना? 1 नंबर का है तो 1 वर्ड में आंसर होना चाहिए या फिर 1 लाइन या 2 लाइन, मैक्सिमम 2 लाइन, उससे ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है ना? चलिए, ईच पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 कैरीज 1 मार्क। क्वेश्चन नंबर 16 to 23 आर ऑफ 3 मार्क्स ईच। क्वेश्चन नंबर 24 to 30 आर ऑफ 4 मार्क्स ईच। इस प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि कतिपय प्रश्नों में
आंतरिक विकल्प प्रदान किया गया है, ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए। क्या कहा गया है, पूरे क्वेश्चन के लिए कहीं पर भी विकल्प नहीं दिया गया है, ठीक है ना, कि इसके अलावा इसको कीजिए, लेकिन प्रश्न का कोई भाग हो सकता है, ऐसा पार्ट हो सकता है, खंड हो सकता है, जिसके लिए आपको विकल्प दिया गया है, दिया गया हो, तो आपको उस उन दोनों में से एक ही को करना होगा। देयर इज नो ओवरऑल चॉइस इन दिस क्वेश्चन पेपर, हाउएवर एन इंटरनल चॉइस हैज बीन प्रोवाइडेड इन फ्यू क्वेश्चंस। Attempt only one of the given choice in such questions. Okay? तो ये आपके directions हैं, इनको पढ़ लिया आपने बहुत अच्छे से। अब जैसे मैंने आपको बताया था, विज्ञान में हम सिर्फ जो रसायन विज्ञान के अंतर्गत बनने वाले प्रश्न हैं, उन पर बात करेंगे। तो जो पहला प्रश्न है आपका, वही किसका है, केमिस्ट्री का है, यानी कि रसायन विज्ञान का है, जो कि क्या पूछा गया है आपका, एथेन पहले का हमने क्या पढ़ा था डायरेक्शन में, जो क्वेश्चन नंबर वन है उसके आपके आपको खंड मिलेंगे कुछ, ठीक है ना, तो वही खंडों में से पहला जो क है, एथेन जिसका आणविक सूत्र C2H6 है, में सह संयोजक आबंध है, एथेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज कोवेलेंट बॉन्ड, कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, फर्स्ट है 6, सेकेंड ऑप्शन है 7, थर्ड ऑप्शन है 8 और फोर्थ ऑप्शन है आपका 9, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है आपका, एथेन आणविक सूत्र C2H6 और उसमें आपको क्या बताने हैं, सह संयोजक आबंध बनाने हैं, ठीक है, बताने हैं, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं फर्स्ट का, नंबर वन का, ठीक है ना, एथेन C2H6 में सह संयोजक आबंध, ठीक है, दो कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है आपके, चलिए तो बना ले जाइए। कार्बन 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 के बीच सिंगल बॉन्डिंग, क्यों, क्योंकि इथ एन आ रहा है, एन कब आता है, जब सिंगल बॉन्डिंग होगी, ठीक है, एन आ रहा है ना आपका, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड, यानी एकल बंध होगा, और किसकी इसके बीच में होगा एकल बंध, कार्बन कार्बन के बीच, ओके, तो यहां पर हमने कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग दिखा दी, ओके। अब बचे आपके हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 6 हैं आपके, 3 इस पर आ जाएंगे और 3 इस पर आ जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार। अब बोला क्या गया है, एथेन यानी जो C2H6 जिसका आपका यहाँ पर फॉर्मूला है, में सहसंयोजक आबंध, कितने सहसंयोजक आबंध आपको दिखाई दे रहे हैं, 3 ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, ये वाला कार्बन 3 ये बना रहा है, 6 और 1 इनके बीच में हो रही है, तो टोटल कितने हो गए, 7, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, एथेन C2H6 में सहसंयोजक आबंध कितने होंगे, 7 होंगे, ठीक है। चलिए तो ये था आपका एथेन, इसकी जगह हम दूसरा हमारा है सपोज इथीन, उसमें देखिए इथीन, ठीक है ना, और इथीन में भी आपका क्या होता है, कार्बन 2 होंगे, इसका मतलब 2 कार्बन, ठीक है, C2H4 कार्बन कार्बन के बीच, इन का मतलब क्या होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, यानी किस किस के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ओके, सो यहां पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है और बाकी आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 C2H4, ओके। चलिए तो काउंट करिए, 2 यहाँ ये हाइड्रोजन के साथ बना रहा है, 2 ये बना रहा है और 2 इनके बीच में बन रहे हैं, टोटल कितने हो रहे हैं, 6, ठीक है, 6 कोवेलेंट बॉन्ड है इथेन में, ठीक है, सहसंयोजक आबंध। चलिए एक मॉलिक्यूल दे रही हूं आपको नेक्स्ट, इथाइन, C2H2, इसमें बताइए नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड,
आइन का मतलब आपको पता है? वाई एनी है, अगर यहाँ पर इसका मतलब किसकी बात हो रही है, ट्रिपल बॉन्ड की बात हो रही है, ठीक है, यानी किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में थ्री बंध बन रहे हैं। ओके जल्दी बताइए, C2H2 एथाइन जो कि एल्काइन का एग्जाम्पल है आपका, इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं? ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग और बाकी एक एक हाइड्रोजन, ठीक है, तो टोटल कितने हो गए आपके, तो यहाँ पर एक आपका ट्रिपल बॉन्ड है और बाकी दो आपके क्या हो जाएंगे, सिंगल बॉन्ड। अगर आपने यहाँ पर सिक्स लिखा है तो लिख सकते हैं एक आपका यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, और फोर आपके क्या है, सिंगल बॉन्ड्स। ओके यहाँ पर आप बताएंगे वन ट्रिपल बॉन्ड एंड टू सिंगल बॉन्ड्स। ओके चलिए एक और मॉलिक्यूल लिखिए, ब्यूटेन। इसमें कितने होंगे? चलिए तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, निम्न अभिक्रिया में उपचायक पदार्थ है, द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये आपको बताना है। रिएक्शन है आपके पास CuO प्लस H2 गिव Cu प्लस H2। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो स्वयं में रिड्यूस हो रहे होंगे। चलिए तो ये आपके पास इक्वेशन है, ये आपके पास क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में उपचायक पदार्थ यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको बताना है। ये आपको रिएक्शन दी गई है, ऑप्शंस क्या क्या है आपके पास, पहला है कि CuOH जो ये है क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे में है H2 क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या फिर कॉपर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, या H2O आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होंगे, जो रिएक्टेंट्स में होंगे, ऑब्वियस ही बात है, वही आपका क्या कर रहे होंगे, या तो ऑक्सीडाइज कर रहे होंगे या फिर रिड्यूस कर रहे होंगे। ठीक है, ये तो आफ्टर रिडक्शन और आफ्टर ऑक्सीडेशन आपको प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले समझिए यहाँ पर कि अभिक्रिया आपके पास क्या थी, अभिक्रिया आपके पास थी CuO जो आपके पास है कॉपर का ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड जिसे आप लोग कहते हैं सॉलिड स्टेट में, प्लस इसकी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन के साथ जो ऑब्वियस सी बात है गैस है आपकी। देखिए CuO जो सॉलिड स्टेट में, H2 जो गैसीय स्टेट में है, उसकी अभिक्रिया से Cu सॉलिड प्लस H2O लिक्विड यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया है कैसी, ये आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है, कैसी है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन में आपका होता क्या है बच्चे, बताइए कोई बताएगा रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, रेड प्लस ऑक्स यानी रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली एक साथ चलते हैं। ठीक है, रिडक्शन भी हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा होता है। यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, ये पूछा गया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो अपने आप में रिड्यूस हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं और साथ ही उनका क्या होता है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उसमें कमी आती है। समझ रहे, यहाँ पर CuO आपका Cu2 पॉजिटिव में है, यहाँ का जाकर के जीरो हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट जो। ठीक है, तो जो ये है कॉपर जो यहाँ पर है, इसका आपका जो ऑक्सीडेशन संख्या है उसमें कमी आ रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन संख्या में कमी आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा है, और जो रिड्यूस हो रहा है वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या थे, आपने बोला जो ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे दूसरे को, तो इसके पास ऑक्सीजन था, इसने H2 को दिया, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी कि उपचायक या फिर ऑक्सीकारक का काम यहाँ पर कर रहे हैं। समझ रहे हैं क्या बोला मैंने,
देखो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है, जहां पर क्या होता है ऑक्सीडेशन संख्या में आपकी वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही होती है, ये क्या होता है आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होता है, रिडक्शन। जहां पर ऑक्सीडेशन जो नंबर है उसमें क्या आएगी आपकी कमी आएगी ठीक है। तो मैंने क्या बोला जो आपका CuO है उसकी ऑक्सीडेशन संख्या ऑक्सीकरण संख्या में या ऑक्सीडेशन नंबर में आपका क्या आ रही है कमी आ रही है ठीक है। जहां पर आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और नंबर इंक्रीजेस ठीक है, और इसमें क्या होता है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस ठीक है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ डिक्रीज कर रही है, इस केस में आपका यहां पर इंक्रीज कर रही है और यहां पर आपका डिक्रीज कर रही है, तो डिक्रीज किस में कर रही है Cu CuO2 Cu, ये आपको डिक्रीज होता हुआ दिख रहा है और यहाँ H2O H2 टू H2O आपका इंक्रीज होते हुए दिख रहा है ठीक है ना। तो यानी कि जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा ओके। यहाँ आपका जीरो से ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ जा रही है, +1 में जा रही है क्लियर। तो यहाँ पर आपका क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है और वहां पर इंक्रीज हो रहा है, हेंस जो आपका ये है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, ये आपका किसकी तरह काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है ओके। एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है एक लाइन लिख लेंगे जो अपने आप में रिड्यूस होगा वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा ठीक है, और जो अपने आप में ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। ये आप इस रिएक्शन में देख रहे थे, आपने क्या देखा कि जो CuO है वो अपने आप में रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन में हम उसको दिखा रहे हैं इसलिए वो दूसरे के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। अपने आप में रिड्यूस होने का मतलब क्या है, वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा है तो उसने ऑक्सीजन को बाहर निकाला ठीक है, लेकिन वो दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है तो दूसरे का क्या कर रहा है वहां पर ऑक्सीकरण करवा रहा है, तो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ पर H2 क्या हो रही है ऑक्सीडाइज हो रही है, अपने आप में ऑक्सीजन को ग्रहण कर रही है ना तो ऑक्सीडाइज हो रही है, तो वो दूसरे के लिए किसका काम कर रही है रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रही है, सिंपल सी बात है ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये करेक्ट होगा ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से पूछ लेते हैं इसलिए जब MCQs हम लोग सॉल्व करते हैं तो सिर्फ आंसर पर तो आपका फोकस नहीं करते बल्कि उससे रिलेटेड कितने और क्वेश्चंस बन सकते हैं उन पर हम लोग ध्यान देते हैं ठीक है ना। यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा है, सपोज आपको पूछ लेगा कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है तब आप H2 बताएंगे, सपोज आपको पूछ लेगा कि यह कौन से टाइप की रिएक्शन है तो आप बताएंगे रेडॉक्स रिएक्शन है, या किसी क्वेश्चन में आपको यही पूछ लिया जाएगा कि रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है तो आप बोलेंगे कि जिस अभिक्रिया में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली चल रहे हैं यानी कि उपचयन और अपचयन एक साथ होते हैं उस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन या आपका रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन में आप बता रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है, वहां पर रिडक्शन में आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और साथ ही जो ऑक्सीडेशन स्टेट है या ऑक्सीडेशन नंबर है उसमें आपका कमी आती है वो घटता है ओके। चलिए बाकी ये आपके यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस प्रकार की औषधि का उपयोग होता है ठीक है ना। गो फर्स्ट है आपका एंटीबायोटिक, सेकेंड है एनाल्जेसिक, थर्ड है एंटासिड एंड फोर्थ है एंटीसेप्टिक।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज टू ट्रीटिंग इनडाइजेशन। ठीक है, अब इनडाइजेशन क्या था आपका? इनडाइजेशन आपने कहाँ पढ़ा? जब आप पढ़ रहे थे एसिड बेस का चैप्टर, एसिड बेस एंड सॉल्ट का चैप्टर, आपने बोला हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि भोजन के पाचन में, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन किन्हीं कारणों से जब स्टमक में या अमाशय में उस एसिड की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है ना, फिर क्या होता है, फिर भोजन का पाचन अच्छे से नहीं हो पाता है। और हमने पढ़ी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या पढ़ी है हमने? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोला? इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या है? या अपच जिसे कह रहे हैं, ठीक है ना, जहां पर कि एसिड की मात्रा, ठीक है ना, स्टमक में एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई है। क्या हो गई? एसिड की मात्रा बढ़ गई है। अब ये एसिड क्या करेगा? जो फूड है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, इसका डाइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एसिड की मात्रा को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? हम किसी बेस को यहां पर यूज करेंगे, यानी कि क्षार का उपयोग करेंगे किसी। ठीक है, तो एसिड और बेस मिल करके, एसिड और बेस मिल करके क्या करते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये जो बेस होता है ना, जो इस अपच को या इनडाइजेशन को ठीक कर रहा है, या आप क्या बोलेंगे, इस एसिड की मात्रा को न्यूट्रलाइज कर रहा है, उसको कहा जाता है आपका एंट एसिड। क्या कहा जाता है? एसिड के प्रभाव को जो कम कर रहा है, एंटी, एंटी मतलब होता है अपोजिट। ठीक है, तो एंट एसिड, एंट एसिड क्या है? जो एसिड से उल्टा है, और एसिड से उल्टा क्या है? आपका बेस है। तो एंट एसिड बेसिकली आपका एक क्षार होता है, एक बेस होता है, जो इस एसिड के प्रभाव को कम करेगा। तो इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए, अपच को ठीक करने के लिए एक क्षार दिया जाता है, जिसको एंट एसिड कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये आप उदासीनीकरण में भी पढ़ते हैं, सेवेंथ क्लास का टॉपिक है आपका बेसिकली, वहां भी आप लोग ये पढ़ते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपका एंट एसिड, इसको प्रति अम्ल भी कहा जाता है। प्रति मतलब क्या होता है? उल्टा। तो अम्ल के प्रभाव को जो कम करेगा, क्योंकि अगर हमारे पेट में किन्हीं कारणों से एसिड बढ़ गया है और हम उसके ऊपर एसिड ही लिए जा रहे हैं, तो वो तो गलत हो जाएगा ना, उससे तो एसिड की मात्रा और ज्यादा हो जाएगी। तो हम क्या लेंगे? कोई क्षार लेंगे। तो ये प्रति अम्ल क्या होता है? कोई क्षार होगा, जिसे आप MOM की बात करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, एंट एसिड क्या होते हैं? आपके बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, और इनडाइजेशन कब हो रहा है? जब एसिड की मात्रा वहां पर एक्सेस में हो रही है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड, या बहुत ज्यादा मात्रा में आप बोलते हैं कि एसिड वहां पर हो गया है, अम्ल की मात्रा बढ़ गई है स्टमक। ओके, चलिए चलिए, तो ये प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है? एक तो सिंपल ऐसे ही पूछा जाएगा, दूसरा प्रति अम्ल किस प्रकृति के होते हैं, एंट एसिड कौन से नेचर के होते हैं, तो आप बताएंगे बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, एंट एसिड का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इनडाइजेशन की स्थिति में किया जाता है। इसके अलावा उदासीनीकरण में एंट एसिड जो है वो किस प्रकार, एंट एसिड जो है वो किस अभिक्रिया पर या फिर किस पर कार्य कर रहा है, ठीक है, किस बेसिस पर? तो उदासीनीकरण उसका बेस है, क्योंकि एंट एसिड जो है उसका प्रयोग अम्ल के साथ कर रहे हैं, तो बेस और एसिड की रिएक्शन हो रही है, जहां पर आप बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं। ठीक है ना, चलिए, तो उदासीनीकरण की एक उदाहरण के रूप में जब आप बोलते हैं ना कहाँ कहाँ उदासीनीकरण देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी हमको इनडाइजेशन की स्थिति जो होती है उसमें भी उदासीनीकरण देखने को मिलता है, जब एसिड का को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम बेस का यूज कर रहे हैं। ओके, चलिए, तो यहाँ पर हमने तीन क्वेश्चंस देखे, इसके बाद आपके ये कुछ बायो बायोलॉजी के क्वेश्चंस हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये भी केमिस्ट्री से है। उस अधातु का नाम व प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में
पाई जाती है. ओके, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ अ नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट नॉर्मल टेम्परेचर. धातु के बारे में हम लोग क्या पढ़ते हैं, मोस्टली या तो यह ठोस अवस्था में है या गैसियस स्टेट में. ठीक है, या तो ठोस अवस्था में या गैसीय अवस्था में. लेकिन वहां पर आपने एक ऐसी अधातु के बारे में पढ़ा था जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है. ठीक है, और क्या करना है आपको, उसका नाम बताना है, नाम लिखना है, एक तो सिंबल लिखना है, और आपको बताना है कि यही वो अधातु है जो रूम टेम्परेचर पे पाई जाती है और किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, यानी द्रव. ये क्वेश्चन भी एक मार्क्स का है, तो सिर्फ नाम लिख लेंगे और उसका सिंबल लिख लेंगे. ओके, इसके अलावा सेकेंड थर्ड है आपका शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पेपर के रंग को क्यों नहीं बदलती है. ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपने होमवर्क में पढ़ के आने हैं, फिर आने वाले सेशन में हम इन पर बात करेंगे. ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज के सेशन में जो क्वेश्चंस हमने देखे एमसीक्यूज थे, लेकिन हमने बहुत डीप में जाकर उनको समझा और उनसे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चंस बनने की पॉसिबिलिटी है वो हमने यहाँ पर देखी. बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप हम लोग उस पर बात करेंगे. और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद.